बे पंख्या का झाला बे, बहुत रागात दिसून राहिलाय। काय नाही झालाय पंख्या, खोट नको बोलू भाऊ, मला माहित आहे तू बहुत रागात आहे, सांग ना भाऊ का झालं। इकडे कानात सांगतो। हो हो आलं सांग। घुबडीच्या तेव्हाचं म्हटलं तुले काय नाही झालं तर काय विचारू आला मग? दोघं खराब करते बिनफुकट, इथं काही भी घ्यायला पैसे नाही आहे। कोणा पोरीला पटवतो म्हटलं, तिला काही गिफ्ट देतो म्हटलं तर पैसे नाही, चिडचिड होऊन राहिली आहे आणि याला इथं काय झालंय काय झालं बिनफुकट विचारू आलाय। भयकाड मुंगाळ। ओ पैसे का मामला आहे क्या? बे पंख्या एक गोष्ट सांगू का, इसका सोल्युशन आहे मेरे पास। काही गरज नाही, आपलं सोल्युशन आपल्या जवळ ठेव। अबे एक वेळ ऐकून तर घे। हे पाय शार्क टँक इंडिया भाऊ, आपण इथं जाऊ आणि आपण आपला बिझनेस त्यांना सांगू, मग ते आपल्याले पैसे देईन, मग तर मग बहुत पैसे येऊन जाईन भाऊ आपल्याकडे। हाय ना मस्त बिझनेस। काय ता बे सिटी आली शिव्या, कोणता अजून बिझनेस केलाय का आपण? पंख्या माया डोक्यात एक जबरदस्त बिझनेस आयडिया आहे भाऊ। चल पंख्या तैयारी कर, शार्क टैंक ले जाची। हाय शार्क्स, मेरा नाम संजू शार्क वाला है और मैंने बाहर बोर्ड पढ़ा कि ये शार्क टैंक है, तो मेरी एक शार्क है जिसको टैंक में मेरे को डालने का है। आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा और मेरी नाराजगी भी रहेगी। अरे सर यहाँ पे कोई शार्क का टैंक नहीं है, यहाँ पे शार्क नहीं बेची जाती है। क्या तो ऐसा नाम कैको रखा है शार्क टैंक? मेरी शार्क को मैं लेकर आया, फालतू फोकट, अभी कैब के पैसे कौन देगा मेरे? कैब के पैसे दो मेरे। हाँ सर मैं देती हूँ, बाहर चलो। नेक्स्ट लौकर यहाँ पे पुट्टे हो, वेट है हमसे जवर। दी पंख्या का जबरदस्त सेट है बे शार्क टैंक सा। यो अब पैसा ही पैसा होगा। हो ना बे पंख्या। अभी मंग्या आता तो सांग भाऊ आपला बिजनेस प्लान क्या है। अबे आता ऐकूनच घेजो ना तू भी। हाय शार्क्स, मैं हूँ मंग्या और ये है पंख्या, ढंटकन ढंटकन ढंटकन, और हम दोनों आए हैं नागपुर से। वेलकम टू शार्क टैंक। हम दोनों को बिजनेस रखने के लिए चाहिए वी दो मिनट। अबे पंख्या 20,000 ठीक है ना भाऊ? अबे पाऊंगी तू या मत आना, तसा 10,000 भी चालेन भाऊ, थांब ना बे 20,000 देऊ शकते हे लोक। हाँ तो शार्क्स हमें 20,000 रुपए चाहिए, वो भी अभी के अभी। वैसे शार्क्स मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिमांड में बहुत ज्यादा है और उसकी लागत बहुत ही कम है। मेरे प्रोडक्ट से आप खुद दीवारों को रंग सकते हो जिससे आपका पेंटिंग का खर्चा बच जाएगा, और होली में भी पिचकारी का खर्चा बच जाएगा, आप खुद लोगों को रंग सकते हो पिचकारी मार कर। और मेरे प्रोडक्ट का नाम है नागपुर का खर्रा। अरे बाप रे। किसी बंदे से पैसा चाहिए या पैसा चाहिए एट बेस्ट? हमें सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए, बाकी पूरा बिजनेस आप रख लो। अबे हड्डों के और पल्ला है क्या? कुछ नहीं धंधा है, कुछ धंधा ही नहीं, और मेरा इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है। मैं अपने पे हंसी आ रही है कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, कर क्या रहे हैं? मतलब बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। तो मग आता 20,000 नाही भेटन तो 500,000 तो देऊन द्या। अबे बोगाड्या लवकर चल इथून, नाही तर लात मारून हाकलीन आपल्याला। अश्नीर थोड़ा सा तो शुगर कोटेड बोला करो। मजा आली तर सबस्क्राइब करा qutyapa.com ला, आणि हो आता तुम्ही पंख्याला बघूनही ऐकू पण शकता कुठे? स्पॉटीफाय, गाना आणि गुगल पॉडकास्ट वर। जसं तुम्ही युट्यूबवर आम्हाला इतकं प्रेम दिलंय तिथे पण भरपूर प्रेम द्या। कळलं का बे पोट्टे हो?